मोनी का एग्रेशन आप चेक करें जरा, मोनी बड़े गुस्से में नजर आ रहा है। वो नैना आ रही भाग गई। Oh my God. क्या हो गया? दीवार देख रहे हैं, ये दीवार जो है वो इन्होंने ही तोड़ी है, मोनी ने, है ना, बिकॉज ऑफ नैना। इस जानवर को क्या कहते हैं? उड़ियाल कहते हैं। उड़ियाल, उड़ियाल मारखोर भी कहते हैं। मारखोर है जो पाकिस्तान का जो है, कौन जानवर है? ये आईएसआई का निशान है। जबरदस्त। जी जनाब, आज हम आपको मिलवा रहे हैं मोने और नैना से, और मोने और नैना जो हैं वो सर ने पाल रखे हैं अटक में। आपका नाम तो हमने पूछा, अनवारुल हक साहब ने जो है वो अटक में पाल रखे हैं, और आज हम जानना चाह रहे थे कि कैसे इन्हें शौक हुआ, आप लोग भी जानेंगे, और मुझे कैसे पता चला। 14 अगस्त को मैंने देखा कि इन्होंने जो मोना था, आई थी, है ना, मोने को ये लोग लेकर आए हुए थे, और उसकी सींग पे बड़े प्यारे से जो है वो फ्लैग लगाए हुए थे। आज हम देखते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम दोबारा से फ्लैग्स भी लगवाते हैं, क्योंकि उस दिन ये बहुत क्यूट लग रहा था। मुझे ये बताएं कि फिर इसका जो, इसकी जो फूड है उस पर कितना एक्सपेंस आ जाता है? इतना नहीं है, बस फूड आम से ये बकरी की तरह बस खाता है, मतलब घास खा लेगा, खाद खा लेगा। ठीक है, तो इसको इस पे कॉस्ट कितनी आती है, मतलब अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कितना खर्चा आएगा? परचेज इसको करना बहुत मुश्किल होता है, ये बोली पे होता है। बोली लगती है? बोली लगती है। अच्छा, ये डॉलरों में जाती है इसकी बोली। अच्छा, तकरीबन 1.5 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर। अच्छा, तो अगर आप चाहते तो मतलब इसके बदले में आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते थे, जैसा कि मतलब अटक में मैंने किसी और को नहीं देखा कि उसने मारखोर रखे। तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने मारखोर रखे, क्या वजह है? बस शौक है ना, शौक है, चीज अच्छी लगती है, एक मनफिल चीज है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि शौक तो कोई मोल नहीं, तो ये साबित हो गया। और इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि असल में ये चीज जो है ना मोहब्बत करती है इंसान से। अच्छा, रिस्पांस देती है। अच्छा है जी, अब देखे ना, ये जंगल की चीज है, इसको तो देखना भी जो है वो भी कुछ लोग ही देख सकते हैं, और बड़े खर्चे करके देखते हैं, ऐसे नहीं है कि ये 4000 फुट के ऊपर पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह देख रही हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं है, इधर पाकिस्तानी, पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन लोगों को नहीं पता, मुझसे लोग पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि आज मैं भी पहली दफ़ा मारखोर से मिल रही हूँ, और मोने और नैना जो हैं वो फर्स्ट कपल है कि जिससे मोने की जो है वो आप एग्रेशन दे सकते हैं। तो ये आपने इम्पोर्ट कराया? नहीं, ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। अच्छा, आसानी से मिल जाता है? आसानी से नहीं मिलता। ये बताएं कि कितनी कोशिशों के बाद आपने मोने और नैना को पाया? कोशिशें ऐसी हैं ना कि मैंने ये 2004 में ये मेरे हुए लिया। अच्छा, 2004 में? 2004 में, और 2012 में मैंने इनको लाया, इनके डॉक्यूमेंट्स जो है ना बने। अच्छा, सही। तो तकरीबन 8 साल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेवल नहीं कर सकते बगैर डॉक्यूमेंट्स के। ओके, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जुर्माना है। अगर कोई नया बंदा परचेज करता है तो उसको इनके साथ दोस्ती करने में कितना टाइम लगता है? पहली बात तो ये है ना कि ऐसी दोस्ती नहीं होती। अच्छा, या आप बच्चा पालेंगे? अच्छा, तो उसके बाद। और इनकी एज कितनी? इसकी 7 साल है, उसकी 8 साल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब एक कपल ले आते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, तो आगे फिर भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे? ज़्यादा जितने होंगे तो उतनी इनकी फीस होती है। तो इनकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो कितनी होती है? तकरीबन 4000 साल की। साल की? हाँ, वो लड़की है ना, तो वो लड़की है, शर्मा रही है हमसे, वो एकदम खुले मिलेगी नहीं ना। नखरे। तो बाकी आप एग्रेशन देख सकते हैं मोने का, मोने ना, मोनी, यस, मोनी का एग्रेशन आप चेक करें जरा, मोनी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो ये मोनी गुस्सा इतना ज्यादा क्यों करता है? वो नैना के लिए। उसे कहें कि नैनो की गुस्ताखियां माफ करें।
तो आज आप बता रहे हैं कि मोने ने दीवार तोड़ दी, ये भी नैना की वजह से तोड़ी या क्या वजह? नैना की वजह से तोड़ी। अच्छा, अमूमन तोड़ देते हैं। अच्छा, टक्कर मारते हैं बहुत दूर। लेकिन नैना में इतना एग्रेशन नजर नहीं आ रहा है ना, या नैना भी तंग करती है? नहीं, नैना मोने अभी भी नैना के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की जुदाइयाँ चल रही हैं। जब इनके बच्चे हो जाएंगे तो क्या वो सेल करेंगे या अपने अपने पास? सेल नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो है वो उसको बिजनेस के तौर पे भी लेते हैं। अच्छा अच्छा, शौक है। शौक है, शौक है। मैं बच्चों की तरह पालता हूं। हमने घोड़े की वफा तो सुनी है कि घोड़ा जो है वो चीजों को समझता है, लेकिन मारकोर और ये जो रिश्ता आज हम पहली दफा देख रहे हैं। हर चीज आप जिस चीज से भी प्यार करें ना, वो आपको रिस्पांस देगी, अलावा एक इंसान के। नहीं, मतलब आप क्या समझते हैं कि इंसान को समझाना जो है वो मुश्किल है? इंसान प्यार को उसकी कदर नहीं करता? नहीं करता। इंसान प्यार की कदर नहीं करता, जानवर प्यार की कदर करते हैं। सही बात है। ठीक है, वो नैना आ रही भागी। क्या हो गया? इनमें मिलावट नहीं है ना, मिलावट नहीं है। इंसान जो है प्योर फीलिंग, मिलावट है वो, जो भी काम करेगा मतलब की करेगा। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। नहीं, ये मुझसे रिलेटेड है, ये मेरे साथ रहे, ये नहीं है कि किसी वक्त हो जाए, मर जाए किसी वक्त के पास। बेशक ये पकड़ लें आप, वो उधर चले जाए आप। अच्छा, हाँ, नहीं आएंगे? अगर मैं आवाज़ दूँ तो नैना आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। ट्राई करते हैं नैना आएगी कि नहीं आएगी। चलिए, इसको थोड़ा दूर से बुलाती हूँ। थोड़ा सा दूर जाके नैना को बुलाते हैं, नैना आएगी या नहीं आएगी? नैना, नैना, oh my God, नैना इजाजत ले रही है, देखो गौर से, नैना इजाजत ले रही है। नैना, नैना, नैना ने मुंह ही तो उसी तरफ कर लिया। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, नैना नहीं आई जनाब। तो इनके मुताबिक जानवर वफा करते हैं, इंसान वफा नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है इंसानों के लिए। यहीं पे होते हैं या रात को अपने घर चले जाते हैं? नहीं, यहीं पे, यहीं पे सुबह शाम यहीं पे। तो फिर वो फैमिली वाले नहीं कहते कि नहीं हमें जो है वो आपने छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा तो नहीं, तो भी टाइम दे। अच्छा, ये आप देखें कि मोने के जितने भी क्रश है ना, या जितने भी वो देखने वाले हैं, वो पहुंचे हुए वो सारे देख रहे हैं बड़े गौर से आज मोने को, क्योंकि ये मोने को कम बात है। दीवार जो है वो इन्होंने ही तोड़ी है मोने ने, है ना, बिकॉज ऑफ नैना। नैना की वजह से जो है वो आज मूड काफ़ी ख़राब है। अच्छा जी, वो आप देख रहे हैं वो जो है वो मोने एंड नैना का घर है प्यारा सा, और ये मेरे ख्याल से अपनी पूरी जगह इनके नाम की है। इनके नाम की है ये पूरा प्लॉट जो है। ये कितने मरले का प्लॉट है? ये डेढ़ कनाल का। ओह, डेढ़ कनाल का प्लॉट जो है वो नैना और मोने के नाम इन्होंने कर दिया। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, है ना। मतलब आप पढ़े हुए नहीं? लेकिन लगता तो नहीं है, इनका एक्सेंट जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैं जिन लोगों को आप लोग पढ़ते हैं ना, जिन जिन लोगों को पढ़ के आप डिग्री लेते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। लेना है तुमने वो कैसे? जैसे आप भोले शाह को पढ़ते हैं, भोले शाह को आप पढ़, जो आदमी भोले शाह को पढ़ता है पंजाबी में, एमए की डिग्री उसकी है। और जिसने डिग्री ले ली और नहीं पढ़ा या अमल नहीं किया तो उसका फायदा नहीं, कोई फायदा। तो आप वैसे भोले शाह से भी थोड़ा सा है आपका? बहुत ज्यादा लगा हुआ है, जबरदस्त। भोले शाह भी हम आपसे सुनते हैं। पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, पढ़ा लिखा मैं, डिग्री नहीं है ना मेरे पास। अच्छा, मतलब डिग्री नहीं है मेरे पास। सही सही, ठीक है ना। ये अभी बजमी वाली बात हो गई कि उनको अरबी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उनको समझ आती थी, वो कहते थे मेरा दिल अरबी है। जैसे एहसान दानिश है, एहसान दानिश यूनिवर्सिटी में उन्होंने ईंटें उठाई हैं, वहीं पे वो वाइस चांसलर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं इलामा और कायद की मोहब्बत ने तो नहीं आपको कौमी जानवर रखने पे मजबूर किया? ऐसे ये तो बस एक है, लेकिन सही। तो कौन सा शेर जो है वो फेवरेट है इलामा इकबाल का या भोले शाह का? पूरा कलाम ही फेवरेट है इलामा साहब का तो। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन एक लाइन होती है ना, वो ज्यादा आपको इंस्पायर कर जाती है लाइफ में, वो हमेशा याद रहती है। कहीं जिक्र आता है तो आप पहले वही सुनाते हैं, ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये होता है, जरूर होता है, लेकिन बल्कि मुझे तो पूरी पूरी गजलें उनकी याद है। अच्छा, नज़्में याद? ये आपने वैसे जवानी में किसी को सुनाई है या वैसे याद है? नहीं, सुनाई नहीं किसी को। सुनाई नहीं किसी को? नहीं, नहीं। अच्छा, लेकिन आज आपने हमारी ऑडियंस को तो सुना ली है। कौन सी सुनाएंगे? क्या सुना दूं आपको? लाला सहरा सुना दूं? सुनाए जो आपका दिल करे आप सुनाए। ये गुंबद मीन आई एक काल में तन्हाई, ये गुंबद मीन आई एक
आलम तन्हाई मुझको तो डराती है इस दस्त की पिनहाई, भटका हुआ राही मैं, भटका हुआ राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी ए लाला सहराई। खाली है कलीमों से ये को कमर वरना, तू शोला सीनाई मैं शोला सीनाई, तू शाख से क्यों फूटा मैं शाख से क्यों टूटा, एक जज्बा पैदाई एक लज्जत यकदाई। ऐसे मोहब्बत का अल्लाह ने के बांह हर कतरा दरिया में दरिया की है गहराई, हर कतरा दरिया में दरिया की है गहराई। सही, उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आँख, दरिया से उठी लेकिन साहिल से लटक रही। जबरदस्त, एक दो फिर सुना है वो कह रहा। उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आँख, दरिया से उठी लेकिन साहिल से न टकरा। है गर्मी है आदम से हंगामा है आदम का, सूरज भी तमाशाई तारे भी तमाशाई। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी सोच से बढ़ के जो है ना अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखा है ये जज्बा, या ये जो एक इल्म होता है या एक इंटरेस्ट है, ये किसी किसी को अता होता है। इंटरेस्टिंग ये है कि बस इनकी जो नैना की माँ है गंदम खा लिखी बहुत ज्यादा, इसके बाप ने और इसकी माँ ने दोनों ने मिलके खा ली, बोरी पड़ी थी गंदम की तो खा गए, तो वो फूल गए ना। अच्छा। उसको छोटी छोटी सी बच्ची थी, फैरी नाम था उसका। अच्छा, फैरी नाम रखा था आपने। हाँ, उस बच्ची का जो उस वक्त उसके साथ उसकी बच्ची थी, 8 दिन की थी वो, फैरी नाम था। सही, तो वो मर रही थी ना, तकरीबन सुबह 4 बजे उसकी डेथ हुई है। अच्छा, रात सारी मैं उसके साथ जागता रहा। अच्छा, तो जब उसका आखिर एंड पे थर्ड वक्त रह गया ना, तो वो फिर मुझे देखे, फिर अपनी वो बेटी को देखे, फिर मुझे देखे, फिर उसको देखे। यकीन जानो मेरा बड़ा उसको करना देना नरम हुआ। मैंने कहा यार, फिर मैंने उससे वादा किया, मैंने कहा यार देखें अल्लाह मालिक है, अगर तू बच गई तो ठीक है, ना बची तो मैं तेरी बेटी का तेरी तरह ख्याल करूँगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आज दिन तक घर इनसे इनसे रात में बाहर नहीं रहा। अच्छा, आज दिन तक नहीं? नहीं, एक दिन, एक 10 दिन मैं इनके साथ इनसे अलहदा रहा हूँ, वो भी मैं उम्रे के लिए गया। अच्छा, तो वो 10 दिन मैं इनके इनसे अलहदा रहा। अच्छा, पूरी जिंदगी सही, इसके अलावा कभी भी? कभी भी नहीं। तो आप एंड पे तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज मेरा यही है कि अपनी सोच जो है ना पॉजिटिव रखें बस, तो आप मुतमिन रहेंगे। जिंदगी में, जिंदगी में मुतमईन होना ही तो जरूरी है, सेटिस्फेक्शन। वरना लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो पॉजिटिव रह के सेटिस्फेक्शन हासिल कीजिए। अब देखें, मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास मारखोर है क्योंकि आपके पास मोनी और नैना है। ठीक है, लेकिन मैं जो है ना बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री, क्योंकि लाइफ है ही बड़ी शॉर्ट सी, तो क्या टेंशन लेके गुजारें। उम्मीद करती हूँ जनाब आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और रिक्वेस्ट आपसे करनी है हमेशा की तरह कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन बातों को अपने पास संभाल लीजिएगा। बहुत कीमती बातें थी, और एक एक बात जो है मेरा ख्याल से बहुत कीमती है, अगर हम उसको तोलें ना, एक एक बात बहुत कीमती है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इंसान जो होते हैं वो वफा नहीं करते, तो जानवरों से सीखिए कि वो कैसे वफादार होते हैं। अपने रिश्तों को निभाइए और अच्छे शौक, अच्छे हॉबीज़ जो है वो उनको लेकर अच्छे तरीके से लाइफ पॉजिटिव वे में गुजारी जा सकती है। सो आप लोग भी जो है वो जानवरों से मोहब्बत कीजिए, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा शौक पालिए, तो ज़रूर हम आपके पास भी आएंगे। कैमरामैन यूसुफ खान के साथ माहरुख खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।